गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं दुर्गेश, आप देख रहे हैं दुर्गेश व्लॉग्स आपका चैनल। और अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं अभी, और अभी हम जा रहे हैं वेस्ट वंडर पार्क की तरफ। ये है, इसके आपको लोकेशन बता देता हूँ। निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन उतर के जब आप राजघाट की तरफ चलेंगे तो उस साइड पड़ेगा। ये मेरे पीछे वेस्ट वंडर पार्क का पार्किंग है सारा। आइए चलिए एंट्री करते हैं इसमें। ये पहुँचे हैं वेस्ट वंडर पार्क में, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। टिकट है इसका 50 रुपये पर पर्सन, और इसके टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर शाम को 10 बजे तक, और मंडे क्लोज रहता है। दिल्ली के नगर निगम के द्वारा निर्मित वेस्ट वंडर पार्क में इसका उद्घाटन किया था माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने, गृहमंत्री भारत सरकार के हमारे। और इसका उद्घाटन हुआ था 21 फरवरी 2019 को, और आज है 2 नवंबर 2019। तो देखा हमारा नेटवर्क कितना फास्ट है। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है यहाँ से। आज सैटरडे है तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और संडे में बताते हैं कि संडे में और भी ज़्यादा भीड़ होती है। ये इसका एंट्री गेट है यहाँ पे। इस 7 वंडर्स की स्टार्टिंग है यहाँ से एंट्री। SDMC साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये गिजा का प्राचीन पिरामिड है जो मिस्र में है, जो अब तक स्टैंड है, जो रियल है। और ये वाला जो पिरामिड है एंगल और पाइप से बना हुआ है, करीब जिसमें इन्फॉर्मेशन दी है 80 दिन में जाके बना था ये। और टॉप पे इसके ट्रक का शीट है, मेटल की शीट है यहाँ पे टॉप पे। इधर मिस्र में गीजा का पिरामिड है जो अभी भी वहाँ पे ओरिजिनल स्टैंड है, ये उसी का रेप्लिका बनाया हुआ है। ये यूरोप की पीसा शहर की पीसा की झुकी मीनार है। ये गोलाकार घंटाघर के रूप में जो है इसका बनना शुरू हुआ था, जो कि 200 साल तक युद्ध चलने के कारण इसका निर्माण बीच में रुक गया। इसकी वजह से इसकी एक साइड की नींव बैठने लगी और ये झुकने लगी, लेकिन बाद में इसको सही कर दिया गया। ये बना हुआ है रेप्लिका यहाँ पे दिल्ली के वेस्ट वंडर पार्क में। इससे बना हुआ है कार के पाइप, स्टेयरिंग रोड, और बाइक के स्प्रॉकेट, चैन स्प्रॉकेट, केबल वायर्स, ये सारी वेस्टेज हैं। ये आप देखेंगे इस जगह पे स्प्रॉकेट है, ये सब आयरन का बना हुआ है, मेटल का। लीजिए आपको ले चलता हूँ आईफिल टावर फ्रांस। ये भी टोटली वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। ट्रक के टैंक यूज़ किए हुए हैं, एंगल यूज़ किए हैं 3 से 4 इंचेस वाले, 5 इंचेस वाले। ये दिन से अच्छा रात में लगता है। अभी टाइम हुआ 5:30 बजे, तो जल्दी लाइट जल गई यहाँ पे, तो लाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है, रोशनी में इसकी लाइट जलती है। इसे देख के कुछ कुछ ऐसी याद आती है जैसे हमारे जो है रास्ते में, गाँव में या शहरों में बड़े बड़े बिजली के बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं जो कई हज़ार वोल्ट की बिजली को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होते हैं। लेकिन इसके बाद अलग है, ये भी अच्छा है फ्रांस में। आइए चलते हैं अंदर से इसके देखते हैं। ये टोटल आयरन से बना हुआ है, ये एंगल है यहाँ पे, ये देखिए पूरे एंगल से बना हुआ है ये, यहाँ भी यहाँ बड़ी एंगल है यहाँ पे। ये इसका इनर व्यू, पूरा जो है डिजाइन किया हुआ है गोलाकार में। आप एक पूरा सर्कल लगाएंगे और आपको सातों के सातों वंडर्स में नजर आ जाएंगे यहाँ पे। अब अगले हम पहुंच गए हैं भूल भुलैया में, देखते हैं इसको। ये पहुंच गए हम रोम के शहर इटली कोलोसियम में। ये उसका रेप्लिका बना हुआ है, इसमें करीब कैपेसिटी है 65,000 दर्शकों की, और इसका ये अंडाकार शेप में है। ये 188 मीटर लंबा और 156 मीटर चौड़ा है, ये राउंड नहीं है, ये अंडाकार शेप में है। और इसमें भी ट्रक की शीटें वगैरह, पाइप, ये सब ये यूज़ किए गए हैं, सब वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे। और मैंने इनसे बात की जो गार्ड साहब हैं यहाँ पे, कि इसको कोई पेंट वगैरह होता है क्या होता है, उन्होंने बताया कि इसी कलर का प्राइमर या थिनर टाइप का इसको जो है कोटिंग किया जाता है, जिससे कि ये सेफ रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। वेल, जो शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बीवी से मोहब्बत की याद में बनवाया था, आप सोच लो पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, कोई प्यार बचा नहीं बचा। और ये रेप्लिका भी पूरे फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, आयरन वगैरह शीट से, नट बोल्ट से और स्क्रूज वगैरह से। नाइट में काफ़ी अच्छा लगता है ये, जगह जगह आप सीटिंग वगैरह भी लगाई हुई हैं अपना बैठने के लिए, और शेड्स वगैरह भी हैं, और अब ग्रीनरी तो देख ही रहे हैं आप, ये सब नेचुरल ग्रीनरी है। रियो रिडीमर ब्राज़ील के कोरकोवाडो पर्वत चोटी पर इनकी जो है मूर्ति है। इसमें बताते हैं कि एक उंगली से दूसरी उंगली का छोर है वो करीब 28 मीटर का है, और इसे क्लेम किया गया सबसे ऊँची मूर्ति का पहले
अब तो इससे भी काफ़ी ऊंची बन चुकी हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये अमेरिका और फ्रांस के ज्वाइंट एफर्ट से बनाई गई है। मूर्ति बनाई गई थी फ्रांस में और इसका चबूतरा बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और बाद में इसको न्यूयॉर्क ट्रांसफर कर दिया गया। अभी फिलहाल ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। ये सेवन वंडर्स में सिटिंग अरेंजमेंट है, ग्रीनरी है, पीछे जो है लाइटिंग वगैरह सब की हुई है। यहाँ पीछे आपका शेड है बैठने के हिसाब से, और जगह जगह वाटर कूलर है, पानी की पीने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये आगे बैकग्राउंड नज़ारे, काफ़ी लाइटिंग दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए आधे घोड़े सब सजा रखे हैं यहाँ पे लाइटिंग करके। यहाँ पे भी कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन लगता है आने वाले टाइम में हो जाएगी, क्योंकि पीछे यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पे इसका लॉन एरिया काफ़ी हट टाइप बनाई हुई है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए मेट्रो और बस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर अपने व्हीकल से आते हैं तो आप आ सकते हैं। बाहर गाड़ी की पार्किंग 20 रुपये पर आवर, और मोटरसाइकिल टू व्हीलर की पार्किंग 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज लिया था, जो मैंने बाहर गार्ड से पता किया था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सर्दियों की पहली बारिश शुरू हो चुकी है आज 2 नवंबर को दिल्ली में, उम्मीद है शायद पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, कोई करियो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में और रिलेटिव के साथ में, ताकि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमना है, काफ़ी घूमने लायक जगह है। चलिए दोस्तों, हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनके राइट साइड में सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन है, वो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो और टूर ट्रैवल की वीडियो डालता रहता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।